नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशा जॉब डिटेल्स यूट्यूब चैनल को प्रथमे आपन मानको स्वागत फ्रेंड्स वर्तमान रो ए वीडियो रे मु आपन मानको चारोटी जॉब रो एकाथरे के सूचना दे रखिबी जहा रही छि सशस्त्र सीमा बल एलआईसी एचडीएफसी बैंक तरफरु एवं यूपीएससी तरफरु आस्तिवा नियुक्ति विषय रे डिटेल्स रे इन्फॉर्मेशन दे रखिबी ए वीडियो रे तेणु करी वीडियो टी को शेष जाय देखिबे जदि वीडियो टी भल लागे निश्चित रूपे वीडियो टी लाइक करिबे एवं आम चैनल ओडिशा जॉब डिटेल्स को जदि प्रथम थरो करी विजिट करछन्ती दयाकरी आम चैनल को सब्सक्राइब करने बे तबे चालंतु देखि रखिबा प्रथम अपडेट टी जा रही एसएसबी तरफरु सशस्त्र सीमा बल रे आसी छी आपन मान पई नियुक्ति तबे सशस्त्र सीमा बल होची इंडियन डिफेंस रो एक अंग जोथरे की आपन मान पई रिक्रूटमेंट आसी छी किछि पदवी जहा की आपन मान को नोटिफिकेशन रे डिटेल्स रे दिया जाय छी तबे देखन फ्रेंड्स एई फॉर्म को आपन जदि आवेदन करे को चाहौ छथि दार शेष तारीख रही छी 27 दिसंबर 2020 पूर्वरु आपन माने एहा को अप्लाई करि परिबे 1/12/2020 रे एहार ऑफिशियली अनाउंसमेंट करा दै छी एहा गवर्नमेंट जॉब रही छी बहुत सारा पदवी रे रिक्रूटमेंट आसी छी जो पदवी रही छी आपन मान पई तहार छी असिस्टेंट कमांडेंट पदवी रे आपन मान को नियुक्ति दिया जीवो जोथ में दरमा रही छी 56100 टका रे आरंभ करी 177500 टका पर्यंत एथिपई ऑल इंडिया कैटेगरी पिल्ला अप्लाई करि परिबे बोथ मेल एंड फीमेल एथिपई एलिजिबल तबे मैक्सिमम वयस सीमा एथे रखा जाय छि 35 वर्ष भीतर होइता पिल्ला माने एहाको अप्लाई करि परिबे तबे एथिपई जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहि छि डिग्री करथिबे इंजीनियरिंग रे ताहाले आपण माने एहाको एलिजिबल हे परिबे अप्लाई करिया पई एथिपई किछि एप्लीकेशन फीस रहौछि जहाकि आपण मानकर यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी पिल्ला मान पई 400 टका रहौछि एससी एसटी एक्सरिस मान किबा फीमेल कैटेगरी पिल्ला मान पई कोनोसी एप्लीकेशन फीस रहौ नै से माने मागणा रे एहाको अप्लाई करि परिबे ऑल इंडिया एग्जाम सेंटर रही पारे आपण मानकर जेहेतु सेना रे रिक्रूटमेंट रही छि ऑल इंडिया कैटेगरी वैकेंसी रही छि ऑल इंडिया रे एग्जाम सेंटर करा जिवो आपण माने चाहिले भी भुवनेश्वर ओडिसा रे मध्यम देई परिबे रिटन एग्जाम रहिबो आपण मानकर एथरे सिलेक्शन प्रोसीजर नेक्स्ट फिजिकल टेस्ट रहिबो मेडिकल टेस्ट रहिबो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कला पर आपण मानकु नियुक्ति दिया जिवो सेहि बोली आपण मानकु ऑल इंडिया कैटेगरी रे नियुक्ति दिया जिवो इंडिया रो जे कोनो स्थान रे आपण माने नियुक्ति पाई परिबे एहार लिंक आपण मानकु डिस्क्रिप्शन बोर्ड रे मिलि जिवो जहा कि आपण माने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल्स रे पढि कि भलसे पढि कि एको अप्लाई करि परिबे नेक्स्ट जो आसी आपण मानकर एलआईसी तरफ मु आपण मान डिटेल्स रे कहूची लाइफ इन्स्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तरफ आपण मान पे नियुक्ति आसी जो थरे कि आपण मानकर जो रिक्रूटमेंट रहीची असिस्टेंट पदवी रे रिक्रूटमेंट रहीची फ्रेंड्स एहा एक प्राइवेट जॉब आपण मान जानिथिबे लाइफ इन्स्योरेंस कॉर्पोरेशन बाय एलआईसी तरफ आपण मानकर ए जो नियुक्ति आसी एहा एक प्राइवेट जॉब टोटल ऊपर आपण मानकर 5000 टी पदवी रे वैकेंसी आसी जो थिमे ऑल इंडिया कैटेगरी पिला अप्लाई करि परिबे वयस सीमा 18-45 वर्ष रखा जाय छि एथि पई योग्यता केवल दशम पास रखा जाय छि कोनोसी एप्लीकेशन फीस लागू नाही ऑल इंडिया कैटेगरी रे एग्जाम करा जिवो आपण माने ऑल इंडिया रे जेकोनो जगह रे एग्जाम दे परिबे आपण माने फॉर्म पकेला बेले आपण मानकर सिलेक्शन करनेबे आपणकर को प्लेस रे एग्जाम दको चाहसंती एथिरे केवल इंटरव्यू रहिबो कोनोसी एग्जाम करा जिवो ने आपनको डायरेक्ट इंटरव्यू बा साक्षात्कार माध्यम रे आपन माने एथिरे चयन होई परिबे एहा को ऑल इंडिया कैटेगरी रे जॉब लोकेशन रहिबो आपन माने जे नियुक्ति पाउसंदी भारत रे जेकोनोसी स्थान रे भी आपनको नियुक्ति दिया जाय परे एहार शेष तारीख रहिछि 28 फेब्रुवारी 2021 पूर्व रे आपन माने एहा को अप्लाई करि परिबे ते फ्रेंड्स पुनी सेई कथा कहि रखिबे आपन माने नोटिफिकेशन डिटेल्स रे पढिबे भलसे पढिकि एहा को अप्लाई करिबे तबे नेक्स्ट जिया एचडीएफसी एचडीएफसी बैंक जहाँ रही है एक बैंक कमर्सील बैंक जो थी आपको निजुक्ति मिलू ए जो पदवी आसी फ्रेंड्स 1367 पदवी वैकेंसी आसी जार अपडेट 2/12/2020 अनाउंसमेंट कर नोटिफिकेशन आपण एक वेब पोर्टाल मिल जो लिंक रही डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दी रखी आपको चेक करेंगे तेज ये जो 1367 पदवी रही जहां एचडीएफसी रिक्रूटमेंट आसी पदवी सब रही कौन ना पीओ पोस्ट रही क्लर्क रही असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑफिसर रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स मैनेजर वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर एंड क्रेडिट मैनेजर पदवी रे आपन मानको नियुक्ति मिलुचे एथिपई दरमा कम से कम 58200 टका आरंभ होउचे आपन माने एथिपई दरमा पाइबे ऑल इंडिया कैटेगरी रे पिला अप्लाई करि परिबे मेल एंड फीमेल एथिपई एलिजिबल 21-26 वर्ष वयस सीमा रखा जाय छि एथिपई आवश्यक क्वालिफिकेशन डिग्री किंबा पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिबे ताहाले आपण माने एही सब पोस्ट मान मधुर किछि कि अप्लाई करि परिबे कोनोसी एप्लीकेशन फीस लागू नै मागणा रे समस्त एही फॉर्म को आवेदन करि परिबे ऑल इंडिया कैटेगरी एग्जाम सेंटर रखा जाय छि एवं एथि में जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा जाय छि केवल इंटरव्यू कोनोसी एग्जाम नै साक्षात्कार माध्यम रे आपण माने एही इंटरव्यू रे भाग नै परिबे
ତେବେ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 31 December 2020। ଆପଣମାନେ 31 December 2020 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୟୁପିଏସ୍ଏସ୍ସି ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ରହିଛି, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ 2/12/2020 ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହିଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସର ପଦ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସରର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦରମା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳୁଛି। ଲେବୁଲ 7 ସିପିସି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାଟେଗୋରି ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ସୀମା 30 ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ସହିତ ଡିଗ୍ରୀ ବି ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛି ୟୁଆର୍ ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗୁଛି। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଓମେନ୍ କାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ରହିବ, ଏହା ସହିତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ସେଠି ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କହିଲେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସାକ୍ଷାତକାର ରହିବ, ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଚୟନ ହେବେ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 17 December 2020। ଆପଣମାନେ 17 December 2020 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍। ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମାବଳ, ଏଲ୍ଆଇସି, ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ଏବଂ ୟୁପିଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଅପଡେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେଲି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅପଡେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇ ରଖିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଯାହା ରହିଛି www.freejobora.com ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିକି ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ PDFକୁ ପଢ଼ିକି ଫର୍ମଟିକୁ ଆବେଦନ କରିନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ବାସ୍ ଆଉ ନେଇ ଆସି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।